कैसे आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। मैं सईद और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैरोमीटर के बारे में, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं टोरिसेलीमीटर। टोरिसेलीमीटर हम लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक इटालियन साइंटिस्ट का ये नाम है और इन्होंने ही बेसिकली बैरोमीटर को बनाया था। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और उसी के साथ साथ उसकी हमने एक छोटी सी वैल्यू भी देख ली थी कि उसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू करीबन आती है हमारे पास पी एटमोस्फियर विल बी इक्वल्स टू 1.013 × 10⁵ पास्कल। तो ये जो वैल्यू आती है आज हम लोगों को डिस्कस करना है कि ये वैल्यू किस तरह से आती है या ये वैल्यू हम लोगों ने कहाँ से लाई। तो बेसिकली बैरोमीटर क्या है? तो बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। सो बैरोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो इसे डिटरमाइन करने के लिए हम लोग, यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इस टोरिसेलीमीटर का या फिर बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो बैरोमीटर किस तरह से काम करता है ये आज हम लोग देखेंगे और उसके जरिए से हम लोगों ने एटमोस्फेरिक प्रेशर को कैसे डिटरमाइन किया ये भी हम लोग देखेंगे। तो टोरिसेलीमीटर या फिर बैरोमीटर क्या होता है? तो बैरोमीटर में एक तरह का डिश हम लोग यूज करते हैं। एक डिश हम लोग लेते हैं यहाँ पर, या फिर आप इस तरह से एक बीकर इसको कंसिडर कर सकते हो। वन बीकर वी कैन टेक हियर। और इस बीकर में बेसिकली हम लोग डालते हैं मर्क्यूरी। व्हाई वी यूज द बेसिकली मर्क्यूरी? व्हाई वी यूज द मर्क्यूरी? मर्क्यूरी हैविंग अ लार्ज डेंसिटी। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल आपको समझना है कि डिश के अंदर हम लोगों ने क्या पोर कर रखा है। मर्क्यूरी को हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल तक भर कर रखा है। इसके अंदर मर्क्यूरी पोर किया जाता है और एक पर्टिकुलर लेवल तक मर्क्यूरी हम लोग पोर करते हैं। उसके बाद हम लोग एक टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब हम लोग लेते हैं यहाँ पर और टेस्ट ट्यूब के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, मर्क्यूरी को पोर करते हैं और उसको इन्वर्टेड इस तरह से इसके अंदर डाल देते हैं। इसको इन्वर्टेड करके हम लोग रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको इन्वर्ट करके रख दिया है। तो ये क्या है बेसिकली, ये हमारे पास जो है एक टेस्ट ट्यूब है जिसको हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, मर्क्यूरी को पोर किया है और उसको हम लोगों ने इन्वर्ट करके यहाँ पर रख दिया है। जब हम लोग इसको इसके अंदर इन्वर्ट करके रखते हैं तो हमने ऑब्जर्व किया कि इनिशियली क्या होता है, मर्क्यूरी की लेवल डाउन होने लगती है, मर्क्यूरी की लेवल डाउन होने लगती है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मर्क्यूरी की लेवल फिक्स हो जाती है। मर्क्यूरी की जो लेवल है ट्यूब के अंदर वो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। जब ये लेवल फिक्स हो जाती है तो हम लोगों ने इसका जो है हाइट मेजर कर लिया। इसका जो हाइट है ये हम लोगों ने मेजर कर लिया और यहाँ तक हम लोगों ने इसका हाइट मेजर किया है। हाइट को हम लोगों ने मेजर किया जो कि आती है 0.76 मीटर। 0.76 मीटर की ये हाइट आ जाती है। जब हम लोगों को हाइट मिल जाती है तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दिख रहा है ये एक तरह का कॉलम है, राइट? ये एक तरह का क्या है, कॉलम है और जिसके अंदर मर्क्यूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे यहाँ का प्रेशर कैलकुलेट करना है तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला यूज करके मैं आसानी से डिटरमाइन कर सकता हूँ। सो इफ आई गेट द हाइट, राइट, इफ आई नो द हाइट, दैट हाइट इज नथिंग बट 0.76 मीटर, करेक्ट। उसके बाद हम लोगों को डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी पता है। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होती है 13600 kg per meter cube। और उसी के साथ साथ हम लोगों को g की वैल्यू भी पता है। g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। So according to that we get here P is equal to H rho G. ये हमारा formula है, right? तो यहाँ पर हम लोगों के पास सारे values है। P is equal to H. H की value कितनी आई हमारे पास, 0.76 into rho, जो कि density of mercury वो है 13600 into G की value 9.8 meter per second square. और अब अगर हम इसको measure करेंगे या calculate करेंगे तो आपको answer मिलेगा 1.013 into 10 to the power
5 पास्कल, ओके, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बेसिकली टोरसिली मीटर से या फिर बैरोमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसी को आप लोगों ने फिर बाद में इस तरह से भी हम इसे डिनोट करते हैं, या पीए से भी आप डिनोट कर सकते हैं, 1.013 × 10⁵ पास्कल। ओके, तो इस तरह से जो है ये बैरोमीटर जो है वो काम करता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, चलो आगे हम लोग देख लेते हैं बेसिकली क्या, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कुछ चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। चलो अब कॉमन जो क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको पूछा जाता है कि अगर मान लेते हैं कि अगर इस पाइप को अगर हम लोग ये जो ट्यूब दिखाई दे रहे हैं आपको इसको ऊपर लिया जाए या फिर नीचे इसको पुश किया जाए तो क्या लिक्विड की हाइट पर जो कॉलम की हाइट है उस पर कोई फर्क पड़ेगा। तो इसका आंसर जो है वो नहीं है, नो देर इज नो चेंज, देर इज नो चेंज इन द हाइट, इन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, ऑफ लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम जो है वो 0.76 है तो 0.76 ही रहने वाला है। ओके, और अगर मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि इफ वी टिल्ड दिस पाइप, अगर हम लोगों ने इस पाइप को अगर टिल्ट कर दिया, अगर हम लोगों ने इस पाइप को टिल्ट कर दिया इस तरह से साइड में, अगर हम लोगों ने इसको इस तरह से कर दिया, इस तरह से अगर हम लोगों ने इसको टिल्ट कर दिया तो क्या ऐसे केस में इसकी हाइट बदलेंगी, ऐसे केस में इसकी हाइट बदलेंगी। सो नो, देर इज नो चेंज इन द हाइट इवन दो वी आर टिल्टिंग इट। ओके, सो यहां पर भी आंसर आएगा आपका नो, देर इज नो चेंज इन द हाइट। ओके, तो इस तरह से बेसिकली यहां पर ये जो दो सवाल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या अगर हम लोग यहाँ पर इसके इस पाइप को अगर हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो क्या हाइट में कोई वेरिएशन आएगा, जो 0.76 है मीटर तो वो क्या कम होगी या ज्यादा होगी। ओके, तो इसमें इसका आंसर आएगा आपका नो, ये बिल्कुल भी क्या होगी नहीं, ये बिल्कुल भी बढ़ेगी नहीं और ना ही कम होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम लोगों ने इस पाइप को टिल्ट कर दिया तो टिल्ट करने से कोई फर्क पड़ने वाला है हाइट पर, तो नो देर इज नो चेंज इन द हाइट। ओके, जो हाइट है वो कांस्टेंट ही रहेगी। इसके अलावा भी आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं कि व्हाई वी यूज द मर्क्यूरी। देखिए, इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी अगर हम लोग लिक्विड यूज करते तो क्या होता, या फिर हम कोई गैस यूज कर लेते तो क्या होता। देखिए, अगर आप यहाँ पर कोई लिक्विड यूज करते या फिर कोई और गैस यूज करते तो इसके वजह से क्या प्रॉब्लम होता, क्या जो लिक्विड की कॉलम है यहाँ पर जो हाइट आपको 0.76 मीटर मिली है वो हाइट आपको बहुत ज्यादा मिलती, यानी इसके लिए आपको बहुत ज्यादा लंबी ट्यूब की जरूरत पड़ जाती है और इतनी लंबी ट्यूब को अफोर्ड करना या फिर डिजाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। और इसी वजह से हम लोगों ने मर्क्यूरी को सिलेक्ट किया है क्योंकि मर्क्यूरी की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इस तरह से बेसिकली ये जो बैरोमीटर होता है ये इस तरह से काम करता है और इसके जरिए से हम इस तरह से जो है हमारा जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।